नमो नमः मित्रान। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देखिए टेट 2019 की परीक्षा से संबंधित आज प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में मित्रों आपको एक पद्यखंड भी दिया गया है, एक श्लोक। कभी कभी परीक्षा में पद्यखंड भी पूछा जाता है और उसके बाद मित्रों जो है उससे तत्संबंधित जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। मित्रों, ध्यान आपको ये देना है कि कोई भी गद्यखंड या पद्यखंड जब कभी भी परीक्षा में आता है तो उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। पद्यखंड इतना सरल होता है या गद्यखंड इतना सरल होता है कि बिना उसका अर्थ जाने भी आप उसके प्रश्नों के उत्तर आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी प्रश्न आया हुआ है तो सबसे पहले आप उस प्रश्न के शब्दों पर ध्यान दें और उन शब्दों को आप अपने श्लोक की पंक्ति में टैली कराइए। श्लोक की पंक्ति में जहां वो शब्द मिलते हैं उसी पंक्ति में आपका उत्तर विद्यमान होता है। अब आपको ध्यान केवल इतना देना है कि उसके पूर्व में उन शब्दों के जो शब्द हमारे टैली करने पर मिलते हैं उसके पहले ही हमारा उत्तर विद्यमान होता है, उसके बाद में उत्तर नहीं होता है। तो जैसे मित्रों यहां पर देखिए, पहला हमारा पदखंड दिया हुआ है, यदा संघरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मित्रों देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कुर्मोंगानि इव। तो कुर्मोंगानि इव में कौन अलंकार है? कुर्म माने होता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लिया करता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को सभी प्रकार से, मुंह को भी अंदर कर लेता है, पैरों को भी। आप देखे होंगे कच्छप जो कि तालाबों में और कुआं आदि में रहते हैं। तो कुर्मो संघरते च, यदा संघरते चायम, अगर उस पर कोई प्रहार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, तो वह कुर्मो अंगान इव सर्वसह अपने अंगों को बस में कर लिया करता है। उसी प्रकार से प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया करते हैं। अगर कोई घात प्रतिघात होता है तो अपने इंद्रियों को बस में कर लिया करते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्ते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्त, इंद्रियार्थे इंद्रियों के अर्थ के लिए, उनकी कामना के लिए, उनकी पूर्ति के लिए अपने इंद्रियों को बस में कर लिया करते हैं। जैसे कच्छप अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान लोग अपने इंद्रियों को बस में कर लिया करते हैं। अर्थात उनकी आंखें संयमित हो जाती हैं, उनका मन संयमित हो जाता है, उनका हाथ पैर ये सभी संयमित हो जाते हैं। क्योंकि हमारी मित्रों इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रियां 10 होती हैं। वांग मन त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाद पाय उपस्थान एते दशेन्द्रियाणि सन्ति। तो अब हमको देखना है मित्रों कि इसमें कौन सा अलंकार है बद। तो इसमें मित्रों आपका उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है, पहला आपका विकल्प सही है, उपमा अलंकार है। इसके बाद मित्रों देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, तस्य शब्दे विभक्ति ही वचनम कथय। तो हमने आपको ट्रिक बताया था, अह अम एन आय आत अस्य ए हे अह अम एन आय आत अस्य। तो अस्य तस्य, तस्य आया है मित्रों, इसलिए तस्य आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये तस्य शब्दे विभक्ति ही वचनम कृतः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न है मित्रों, साधूनां च परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम विनाशाय, तो इसमें विनाशाय होगा मित्रों, क्या भरा जाएगा? विनाशाय परित्राणाय साधूनाम सज्जनों की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम बुरे कर्म करने वाले लोगों के विनाश के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यहां क्या भरा जाएगा मित्रों? विनाशाय च दुष्कृताम। तो आप जो है श्लोक की पंक्ति को देख करके तुरंत समझ जाएंगे, इस श्लोक की पंक्ति में जैसे देखिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय है इसलिए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा वाला विकल्प सी सही है, विकल्प सी इसमें सही है, विनाशाय च दुष्कृताम विनाशाय। अब इसके बाद मित्रों हैं परित्राणाय शब्दे विभक्ति स्यात्, परित्राणाय शब्दे विभक्ति स्यात्, परित्राण शब्द में कौन सी विभक्ति है? परित्राणाय विभक्ति स्यात्। हेलो, हाँ वह पढ़ाओ थे अभी एक घंटे बाद बात करते हैं ना। हाँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय शब्दे विभक्ति कथय, परित्राणाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो मित्रों आह अम इन आय, आय आय आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति सी विकल्प सही है। मित्रों देखिए आप सभी इन प्रश्नों को देखिए तो तुरंत पढ़ने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से रट डालें कि कोई भी प्रश्न अगर आता है तुरंत आप देख करके पहचान जाए। खास रूप से मैंने बताया था आपको कि अकारांत शब्द जो होता है, अकारांत का रूप अगर आपको तैयार हो गया मित्रों तो समझिए कि 80% आपका रूप तैयार हो गया। किसी भी शब्द रूप में अकारांत शब्द की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो देखिए इसमें और ज्यादातर आपको अकारांत ही पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है मित्रों, पांचवा प्रश्न है अभ्युत्थानम अस्य संधि विच्छेदम अस्ति, अस्य संधि विच्छेद अभिधान उत्थानम, अभिधान उत्थानम मित्रों यहां पर यण संधि है, यण संधि ईको यणच्छ है, यण संधि ईको यणच्छ। यह कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है अच परे रहने पर, यदि इक के स्थान पर यण तभी होगा जब बाद में हमारा असमान स्वर होगा। तो अभि में ऊ आया है, इसके बाद उत्थानम में सॉरी अभि में ई आया है और उत्थानम में ऊ आया है, तो ई के स्थान पर मित्रों यह आदेश हो जाएगा और बाद में जो ऊ आया है यह ऊ इसमें जुड़ जाएगा तो यू हो जाएगा अभ्युत्थानम। ठीक है मित्रों, तो इसमें यण संधि होगी। अगला प्रश्न है मित्रों प्रज्ञा समानार्थक शब्द कहे अस्ति, प्रज्ञा का समानार्थक शब्द, प्रज्ञा माने होता है बुद्धि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो हरि माने लज्जा होता है, श्री माने लक्ष्मी होता है, गी माने घायल होता है और धी माने बुद्धि होता है। तो प्रज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? बुद्धि, धी, ये घी नहीं है बल्कि धी है मित्रों, धी, धी माने बुद्धि। अब इसके बाद मित्रों माघे संत त्रयो गुणाह में दंडी का गुण है, तो इस श्लोक आया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संत त्रयो गुणाह, उपमा काली दासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। देखिए मित्रों उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडी पदलालित्यम, दंडी के लिए क्या है? पदलालित्य, तो इसमें कौन सा सही होगा मित्रों?
पदलालित्य विकल्प ए। माघे संत त्रयोगुणाह इस श्लोक में दंडी का गुण है कौन सा है? पदलालित्य। उसके बाद मित्रों देखें नवपला सुपला सवनम में कौन सा अलंकार है? तो एक पलाश माने छोल होता है और एक पलाश माने पत्ता होता है। एक पलाश माने पत्ता और एक पलाश माने छोल। पलाश माने पत्र या पत्ता और दूसरा पलाश माने छोल। छोल छोल तो एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, इसलिए मित्रों यहां पर यमक अलंकार है। नव पलाश पलाश वनम पुरा नव पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मगात पुनः ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरम। तो मित्रों यहां पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है मित्रों, नौवां प्रश्न है, अस्थाल्याम पचति में किस नियम के आधार पर सप्तमी विभक्ति है? ये देखिए मित्रों, वैसे यहाँ पर जो है आपका औपश्लेषिक आधार है। औपश्लेषिक के आधार पर जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आधारोधिकरणम, आधार ही अधिकरण होता है, तो आधारोधिकरणम के अनुसार पच धातु के कारण भी नहीं हुई है, अस्था धातु के कारण भी नहीं हुई है, न क्रिया का आधार। क्रिया का आधार स्थाल्याम पचति, क्रिया का आधार क्या है? क्रिया का आधार, क्रिया का आधार होने के कारण पकाता है, किसमें पकाता है? बटलोई में। तो पकाने का आधार क्या है? क्रिया का आधार क्या है? बटलोई है, इसलिए इसमें जो है सप्तमी विभक्ति हुई क्रिया के आधार के आधार पर। और यहां पर मित्रों औपश्लेषिक, औपश्लेषिक आधार है, औपश्लेषिक आधार है। और जो हमारी क्रिया की जा रही, जो भोजन पकाया जा रहा है, वो कहां? स्थाल्याम में, इसलिए स्थाल्याम की जो है, स्थाल्याम ये हमारी पचत क्रिया है और क्रिया का आधार है स्थाल्याम, क्रिया का आधार, इसके कारण इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, नख भिन्न का लौकिक विग्रह नखई ही भिन्न, नखई ही भिन्न है, इसमें तृतीया तत्पुरुष होगा, तृतीया बहुवचन है, नखई ही भिन्न, नाखूनों से भिन्न। तो जैसे राम रामो राम राम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामेण रामाभ्याम रामई ही, तो मित्रों इसमें जो है नखई ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सूर्या में कौन सा प्रत्यय? सूर्य शब्द होता है, सूर्य में टाप प्रत्यय लगा करके क्या बना है? सूर्या बना है। स्त्रीलिंग की विवक्षा में हमेशा टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो सूर्य शब्द में जब टाप प्रत्यय जोड़ा मित्रों, तो टाप का केवल आशेष बचता है, टाप का आशेष बचता है, इसलिए क्या बन गया? सूर्या, सूर्या बन गया। अब अगला है मित्रों, हरेव पद में संधि विच्छेद, हमने बताया था कि अगर कहीं पर भी आपको खंडाकार अ दिखाई देता है, अवग्रह अ दिखाई देता है, तो आप समझिए कि वहां पर जो है आपकी पूर्वरूप स्वर संधि है। तो एंग पदांता दत, एंग पदांता दत, इसमें यही संधि आपकी है मित्रों। वृद्ध संधि भी नहीं है, आदिगुण भी नहीं है और स्युत भी नहीं है। उसके बाद इष्टह का विलोम है, इष्टह अनिष्टह, इष्ट माने प्रिय, अनिष्ट माने जो अप्रिय, कहते हैं आज अनिष्ट हो गया, अप्रिय हो गया, अधिष्ट नहीं होगा, अपकर्ष नहीं होगा, उदार नहीं होगा। इसके बाद मित्रों है ईचु यसानाम तालु, सूत्र के अनुसार वर्ण है, ईचु यसानाम तालु में देखिए ई आएगा, चवर्ग आएगा, च छ झ झ इया और ई आएगा, तो मित्रों इसमें आपका देखिए ए विकल्प है, क बी विकल्प है, च सी विकल्प है, का और डी विकल्प है, तो बी वाला विकल्प आपका मित्रों सही होगा। ईचु यसानाम तालु सूत्र के अनुसार वर्ण आपका कौन होगा? च वर्ण होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक सामग्री कौन सी होती है? तो कक्षा शिक्षण में ना तो रेडियो जरूरी है, ना तो चार्ट जरूरी है, श्याम पट बहुत जरूरी होता है, ये श्याम पट आपकी बहुत जरूरी सामग्री है। तो कक्षा शिक्षण में बच्चों को पढ़ाने के लिए
जो भी होता है मित्रों, हम उसको जो है क्या करते हैं, श्यामपट्ट पर लिख करके समझा करके तब हम उसको विद्यार्थियों को बताते हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में सबसे उपयोगी सामग्री श्यामपट्ट है। इसके बाद मित्रों आता है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। उपचार का मतलब होता है निदान, का मतलब होता है समस्या की खोज करना, समस्या का पता लगाना, समस्या की जानकारी प्राप्त करना जो है क्या है, निदान है। लेकिन उसका जो है पूर्ण रूपेण समूल नष्ट कर देना जो है, पूर्णतः निदान कर देना, पूर्णतः दूर कर देना, समस्या को हल कर देना क्या है, उपचार है। उपचार का मतलब है पूर्णतः समस्या को हल कर देना, पूर्णतः समस्या को हल कर देना उपचार है। तो इसमें मित्रों छात्रों की शुद्ध लेखन कमियों को दूर करना ये भी है, सुलेख और सुलेख की अशुद्धियां दूर करना ये भी है, सारांश न लिख सकते सकने, यहां सकने होगा, न लिख सकने की कमियां दूर करना, ये सभी, तो ये सभी है मित्रों। उपचार का मतलब है संपूर्ण उसका निदान कर दिया जाए, सभी प्रकार की समस्याओं का निदान कर दिया जाए। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा विकल्प डी। अब अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, वर्णों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये आप जानते हैं कू चू टू तू पू, क च ट त प, क का अंग, च का इया, ट का अण, त का न, प का म, ये हमारे पांचवें अक्षर हैं। इयम गणना नाम नासिका च, इयम गणना नाम नासिका, अकोह विसर्जनीया नाम कंठ, इचुयसा नाम तालु, रेटुरसा नाम मृधा, रेतुलसा नाम दंता, उबु बधमानिया नाम होस्व, इयम गणना नाम नासिका। तो इनका उच्चारण क्या होगा मित्रों, नासिका। अगला है, माघे संति त्रयो गुणाह के द्वारा किन तीन गुणों की ओर संकेत किया गया है। पहला है उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम, उपमा दूसरा अर्थगौरव, दंडी पदलालित्यम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडी पदलालित्यम, यह दंडी के लिए आया है, भारव के लिए आया है, भारवी, और यह कालिदास के लिए आया है। तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संत्रयोगुणाः, ये जो है मित्रों इसमें आपका, इनमें से पहला विकल्प आपका सही है मित्रों, ये क्लियर है। अब अगला प्रश्न है, 19 कादंबरी किस प्रकार की रचना है। कादंबरी कथा मुखम, ये कथा मुख है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आख्यायिका नहीं है, इतिहास नहीं है, चंपू नहीं है, तो ये कौन सी रचना है, ये कथा मुखम है, कादंबरी कथा मुखम। इसके दो है, दो खंड है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। इसके बाद मित्रों अगला आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये ययाते इव सर्विष्ठा भर्तृबहुमता भव, ययाति और सर्विष्ठा के पुत्र का क्या नाम है, पुरुवंश, पुरु पुरु है के पुत्र का नाम उल्लिखित है पुरु। तो ययाते इव सर्विष्ठा भर्तृबहुमता भव, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कश्यप ऋषि, काश्यप ऋषि जो है अपने पुत्री शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ययाति और शर्मिष्ठा के द्वारा पुरु नामक पुत्र को जन्म दिया गया और जो है पुरुवंश जैसे नाम से विख्यात हुआ, उसी प्रकार से हे पुत्री तुम और भरत भी मिलकर के, तुम और दुष्यंत भी मिलकर के भरत जैसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दो। अब मित्रों अगला प्रश्न है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर, मन को अच्छा भी लगे और हितकारी भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ होता है। तो ये कहाँ का वाक्य है, किस ग्रंथ में आई है, ये किरातार्जुन नियम में आई है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः यथो सधम स्वादु हितम च दुर्लभम, तो ये किरातार्जुन नियम के मित्रों पुस्तक में आया है। इसके बाद है मित्रों, निराश्रयाहंतहता मनस्विता, यह सुक्ति कहाँ की है, यह द्रौपदी कह रही है और ये किरातार्जुन नियम की सुक्ति है। कहा अगर जो मनीषी लोग
अपने शत्रुओं के साथ शत्रुता का व्यवहार न करें तो उनकी मनस्विता अंदर ही अंदर मर जाया करती है। निराश्रया हंतहता मनस्विता, या किसकी रचना है? किसकी रचना नहीं, किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है, किसका कथन है? तो ये किसकी उक्ति है मित्रों? द्रौपदी की उक्ति है, द्रौपदी ने कहा है। अगला है 33 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रयस्त्रिंशत्। तो 63 होता है, त्रयस्त्रिंशत् ये होगा मित्रों, त्रयस्त्रिंशत् नहीं त्रयस्त्रिंशत्। बी विकल्प सही, इसमें हलंत लग जाएगा और ये त्रयस्त्रिंशत् हो जाएगा। तो 23वां का क्या सही होगा? विकल्प बी। उसके बाद है मित्रों रामश्चलति। उदाहरण है या रामः धन चलति या रामस धन चलति, ये गुण संधि का उदाहरण है। इस्तोस चुना इश्चो रामस धन चलति। तो ये जो हमारा दंत सकार आया है, दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा मित्रों इस्तोस चुना इश्चो से, ठीक है। तो इसमें आपकी अगर कहा जाए तो कौन संधि है? हल संधि है मित्रों। इसके बाद अब देखिए अगला प्रश्न है तट टीका तत धन टीका इष्टुना इष्टो। ये यहां पर इष्टुना इष्टो संधि है। ये कहा जाता है कि सकार और तवर्ग के बाद में अगर सकार और टवर्ग आता है, मूर्धन्य सकार और टवर्ग आता है, तो मूर्धन्य सकार दंत सकार को मूर्धन्य सकार तथा तवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश हो जाता है। तो यहां पर तत धन टीका, तत धन टीका और ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा, बराबर तत टीका ये बन जाएगा। तत धन टीका बराबर तत टीका, तत धन टीका बराबर तट टीका, ठीक है मित्रों। अगला पद है हमारा शिवो अर्चा, शिवो अर्चा। यहां पर आधा च होगा मित्रों, आधा च शिवर्चा। शिवर्चा का सं शिवस धन अर्चा, शिवस धन अर्चा। मित्रों इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये अतो रोर प्लुता दप्लुते एक सूत्र है। अगर ससजुसो रूह के द्वारा जो स होता है, स के बाद पहले अगर अप्लुत है और बाद में भी जो अप्लुत है, तो जो अप्लुत होता है अप्लुत के पहले भी अगर अप्लुत है बाद में भी अप्लुत है, तो दोनों तो स के स्थान पर रू और रू के स्थान पर जो है र बच करके ओ आदेश हो जाता है। तो ये मित्रों आपका शिवस्थान अर्चन सही है। अगला प्रश्न है द्वंद समास के भेद हैं। द्वंद समास के तीन भेद हैं, समाहार द्वंद, एक शेष द्वंद और इतरेतर द्वंद। समाहार, इतरेतर और एक शेष, ये तीन आपके द्वंद समास के भेद हैं। समाहार, समाहार द्वंद, एक शेष द्वंद और इतरेतर, इतरेतर, इतरेतर द्वंद। समाहार एक से इतरेतर द्वंद। अगला प्रश्न है मित्रों 28वां, चंद्रशेखर चंद्रम शेखरे यस्य सः, यहां पर कौन समास है? तो बहुव्रीह समास है, जिसके शिखर पर चंद्रमा विद्यमान है अर्थात भगवान शंकर, तो यहां बहुव्रीह समास है। अन्य पद की प्रधानता चंद्रम शिखरी यस्य सः, जिसके शिखर में चंद्रमा है, शिखर पर चंद्रमा है, अन्य पर उसकी प्रधानता है, इसलिए मित्रों यहां पर बहुव्रीह समास है। भूतपूर्व यह समास विधायक सूत्र है, सहसुपा समास है मित्रों। यहां उपसर्जन पूर्वम से बाद में होता है, लेकिन यहां पर यह समास विधायक सूत्र है। यह नहीं, इसमें समास विधायक सूत्र सहसुपा समास है, सुपसुपा नहीं बोलते हैं मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा, सहसुपा बोलते हैं। सह सुबा सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, सुबंध का सुबंध के साथ जब समास किया जाता है तो उसे सहसुपा समास या उसी को केवल समास कहा जाता है। संस्कृत में समासों की संख्या 5 है, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास,
द्वंद्व समास और बहुव्रीह समास। तो मित्रों आपका ये भूतपूर्व जो है पूर्वम भूत सो, पूर्वम पूर्व अम भूत सो, पूर्व अम भूत सो। तो इसमें मित्रों जो है सुबह समास है, ये ध्यान रखिएगा, या केवल समास। अब अगला है मित्रों, सुकनास ने किसे उपदेश दिया है? सुकनास ने तारापीठ नाम के राजा के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। सुकनास जो है चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। सुकनास तारापीठ का मंत्री है और चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र है। तो बहुत मन्नत मानने के बाद जो है यह पुत्र प्राप्त होता है। तारापीठ की पत्नी का नाम है बिलासवती। बिलासवती ने जो है स्वप्न देखा कि निश्चित रूप से हमें चंद्रमा के समान अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हो, और वैसे ही जापर जिन कर सत्य सने सोते ही मिला ही न कछु सन दे, जिसका जिसके ऊपर वास्तव में स्नेह होता है वह उसे अवश्य प्राप्त होकर के रहता है। तो मित्रों चंद्रापीठ की उन्होंने कामना की थी, इसलिए उनको चंद्रापीठ के रूप में पुत्र प्राप्त होता है। तो सुकनास ने किसे उपदेश दिया है? चंद्रापीठ को। ये मित्रों देखिए 30 प्रश्नों में निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहद जरूरी ये प्रश्न है, और आप इनको विधिवत देखिए 2 बार 3 बार, ये प्रैक्टिस सेट में से निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षा में प्रश्न फंसेंगे। तो विशेष रूप से आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है मित्रों। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद।